दोस्तों, आज तक आपने कई हवाई घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस घटना के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो किसी भी आम घटना से बिल्कुल अलग है, जिसमें ना ही कोई हाईजेक का केस है, ना ही कोई क्रैश का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्रेडरिक वैलेंटेज के बारे में, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे। वो बचपन से ही एविएशन में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, और आगे चल के अपने सपने को पूरा करने के लिए वो एविएशन की फील्ड में भी आए, जिसके बाद 1978 तक उनका टोटल फ्लाइंग टाइम 150 घंटे से भी ज़्यादा पहुंच गया था, और इसी वजह से उन्हें क्लास 4 इंस्ट्रूमेंट रेटिंग दी गई थी, और उसी के बाद उन्हें रात में प्लेन उड़ाने की इजाज़त भी दे दी गई थी, और उन्हें सिर्फ ऐसे ही एरिया में उड़ाने की इजाज़त दी गई थी जहाँ पर वो ठीक से देख सके, क्योंकि रात के समय में जनरली बहुत चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए 2 बार अप्लाई कर चुके थे, लेकिन उनके पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। इसके अलावा वो एयर ट्रेनिंग कॉर्प्स के भी मेंबर रह चुके थे। दोस्तों, ये तो बात हो गई उनके करियर की, लेकिन 21 अक्टूबर 1978 को कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। उस तारीख को, सैटरडे की शाम को, वो अपना सेसना 182L लाइट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, और तकरीबन शाम के 7 बजे उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके प्लेन से तकरीबन 4,500 फीट दूर एक और प्लेन उनका पीछा कर रहा है। लेकिन अथॉरिटीज ने बताया कि उनके लेवल पे उस दौरान कोई भी प्लेन मौजूद नहीं था। तब फ्रेडरिक ने अथॉरिटीज को यह बताया कि वो काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है और उस पे 4 बड़ी बड़ी लाइट चल रही है। तब अथॉरिटीज ने फ्रेडरिक से उस प्लेन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोला कि वो पैसेंजर प्लेन है, प्राइवेट प्लेन या फिर कोई जेट प्लेन है, लेकिन फ्रेडरिक उसको कंफर्म नहीं कर पाए, और उन्होंने दोबारा से रिपीट किया कि अब वो प्लेन उनसे सिर्फ 1,000 फीट की दूरी पर है और उनके प्लेन के ऊपर ही काफी तेजी से उड़ रहा है। इसके अलावा फ्रेडरिक ने यह भी बताया कि वो एयरक्राफ्ट उनकी तरफ ईस्ट से आया था, और फ्रेडरिक को लग रहा था कि दूसरे प्लेन का पायलट उनसे सिर्फ एक मजाक कर रहा है, लेकिन फिर फ्रेडरिक ने बताया कि वो प्लेन उनके प्लेन के और भी ज्यादा पास आ चुका है, और वो ये देख सकते हैं कि उस प्लेन पे एक बड़ी सी ग्रीन लाइट भी जल रही है और उसका सरफेस पूरा मेटल का लग रहा है। और उसी दौरान फ्रेडरिक के इंजन में कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। उसके बाद अथॉरिटीज ने फिर से फ्रेडरिक से बोला कि हमें बताओ वो किस टाइप का एयरप्लेन है। तब फ्रेडरिक ने काफी घबराई हुई स्थिति में बोला कि वो कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, और इसके बाद उनकी आवाज कटने लगी और एक तरीके से उनका कॉन्टैक्ट अथॉरिटीज के साथ टूट गया। और उसी दौरान कुछ लोहे की अजीब सी आवाज आने लगी, और इसके बाद कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया। इसके तुरंत बाद ही फ्रेडरिक को ढूंढने के लिए कई जांच पड़ताल की गई, लेकिन उनके और उनके प्लेन का कोई अता पता नहीं चला, और उनको खोजने और बचाने की इस मिशन को 25 अक्टूबर 1978 को बंद कर दिया गया। इसके बाद आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जब इस बारे में और जांच पड़ताल की, फ्रेडरिक के गायब होने के 5 साल बाद फ्लिंडर्स आइलैंड पे उनके प्लेन का इंजन काउल फ्लैप मिला, और जुलाई 1983 में ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी रिसर्च लेबोरेटरी से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली, तो ये कंफर्म किया गया कि वो काउल फ्लैप फ्रेडरिक के ही प्लेन का था और उनके सीरियल नंबर बिल्कुल सेम थे। इसके बारे में जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो मेलबोर्न पुलिस ने बताया उसी रात को उनके पास कुछ रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें सिटीजन्स ने एक अननोन एयरक्राफ्ट को केप ऑटवे में उतरते हुए देखा था, और तकरीबन उसी समय फ्रेडरिक का कॉन्टैक्ट अथॉरिटीज के साथ टूट गया था। इसके बाद कई इन्वेस्टिगेटर्स ने यह बताया कि हो सकता है फ्रेडरिक अपना प्लेन अपसाइड डाउन उड़ा रहे हों, जिस वजह से उन्हें उनके खुद के प्लेन की ही लाइट पानी में रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही होंगी, जिसके बाद उनका प्लेन पानी में क्रैश हो गया होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड किया हो, लेकिन इस बात को उनके कलीग्स ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो फ्रेडरिक को अच्छी तरह से जानते थे और उन लोगों को ये यकीन था कि फ्रेडरिक ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके बाद और भी कई थ्योरीज आई, लेकिन किसी में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया। इसके अलावा यूएफोलॉजिस्ट ने भी बताया कि इस घटना के पीछे किसी परग्रही का हाथ हो सकता है, जिसने या तो फ्रेडरिक के प्लेन को तबाह कर दिया था या फिर शायद आज भी फ्रेडरिक उनके कब्जे में ही है। और ये बात उन्होंने पूरे सबूतों के साथ कही थी, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों ने भी वैसी ही ग्रीन लाइट उस रात आसमान में चमकती देखी थी जैसे कि फ्रेडरिक ने अथॉरिटीज को बताया था, और वो भी उसी समय पे। और इसके अलावा वहीं रहने वाले एक प्लम्बर ने केप ओटवे के लाइट हाउस के पास ही हवा में कुछ काफी तेजी से उड़ता हुआ देखा था, और उसमें भी हरे रंग की लाइट जल रही थी, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कोई प्लेन नहीं था, क्योंकि उसके आसपास एक बादल जैसी आकृति बनी हुई थी और सिर्फ हरी लाइट ही दिखाई दे रही थी। लेकिन जो फोटोज उस प्लम्बर ने ली थी
उनसे कुछ खास ज्यादा पता नहीं लग पा रहा था। और इसके बाद इस केस को क्लोज कर दिया गया और आज फ्रेडरिक को गायब हुए हुए 40 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।